ज्ञान कौर, इनके पोते के एक पैर में गांठें हो गई थी और उनमें रेशा पड़ गया था। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, लेकिन इनके पोते ने कहा कि मैं चमत्कार चर्च में जाऊंगा। इनके पोते ने कहा मैं चमत्कार चर्च में जाऊंगा और प्रार्थना कराऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। और फिर इन्होंने चमत्कार चर्च से प्रार्थना कराई और वो ठीक है। जय मसीह दी पास्टर नु, जय मसीह दी संगत नु। जी मेरे पोते दे ना पैर ते बहुत वड्डी वड्डी, एक गंढ ते एड्डी वड्डी सीगी ते दूजियां छोटी छोटियां सारे पैर ते ही हो गईयां। तो मैं लैके गई ते कहंदे ना तुसी आके उस च जाओ को च। तीन चार थां ते असी बदले विच कमरियां च गए। जदों अगे गए उन्होंने पैर वेख्या, कहंदे खून जांच करा लो, ऑपरेशन अज ही कर दांगे। मेरा पोता उन्हां दे सामने ही बोल पिया, कहंदा मैं तां चमत्कार चर्चा च जाऊँगा, कहंदा मैं तां उत्थे ही ठीक होऊंगा, कहंदा मैं नहीं कहंदा ऑपरेशन कराऊंगा, कहंदा मैं चर्च च जाऊंगा, मैनू विश्वास है मैनू पिता जी ठीक करूंगा। हरे लुइया हरे लुइया। कितनी बड़ी गांठ थी? एक एडी वड्डी सी पिता जी, रेशा ना भरी सी ते वेख के बहुत जी खराब हुंदा। स्कूले मास्टर नहीं पढ़न दिंदे सी, बूट कहंदे पाके, ओह बूट पैंदे नहीं सी, दर्द बहुत हुंदी स्कूल में। स्कूल च जांदा सी बूट पाउंदा, दर्द हुंदी सी, मास्टर लड़दे कहंदे बूट पाके आओ। ओके, स्कूल के जो मास्टर थे वो कहते थे भी जूते पहन के आओ। हां, जूते और जूते पहने नहीं जाते थे, नहीं पहने जाते सी, दर्द बहुत हुंदी सी। फिर सानू उन्होंने दवाई नहीं दित्ती, तो फिर कहंदा दादी आखो पिता जी आपे दर्द बंद करूगा, मैं नहीं कहंदा दवाई लेनी जी। असी तो आके फिर पिता जी ते जब डॉक्टर ने कहा था भी आज ही ऑपरेशन कर देंगे। हां जी, तो डॉक्टर के सामने उसने कहा मैं चमत्कार चर्च में जाऊंगा। मेरा पोता सामने बोल पे, डॉक्टर मुंडे चंगा कर दिया। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।